नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम सुनाते हैं आपको जरायम की दुनिया की कहानी। हमने अभी तक आपसे कई अपराधियों की कहानियां सुनाई, खबरें दिखाई, लेकिन आज तक हमने कोई ऐसा खतरनाक अपराधी नहीं दिखा जिसने 25 साल की उम्र में ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जो न कर रखा हो, जिसके गुनाहों की लिस्ट उसकी उम्र से लंबी है, जो बाहर से दिखने में जोकर यानी कि मजाकिया लगता है लेकिन अंदर से उतना ही खतरनाक। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी खतरनाक गैंगस्टर की कहानी बताएंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इंदौर के एक सनकी गैंगस्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। नाम है सलमान लाला, उम्र 24 से 25 साल, अपराध का कोई ठिकाना नहीं, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा अपराध कर रखा है। चरस अफीम बेचने से लेकर लड़कियों और लड़कों को ब्लैकमेल करना तो इसका मुख्य पेशा है। लेकिन बीते कुछ दिनों में इसने अपराध करने के मामले में इतनी तेजी दिखाई कि दाऊद भी आज होता तो शर्म के मारे कुएं में कूदकर जान दे देता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सलमान लाला के चेहरे को देखकर आप शायद अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये कितना बड़ा खूंखार अपराधी है। जो बातें हमने आपको इसके बारे में बताई हैं वो तो सिर्फ एक इंट्रो थी। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे खतरनाक अपराधी आपने नहीं देखा होगा। ये चोरी भी करता है, लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता है। इसका सनकपन तब और दिखता है जब इसके बारे में कहा जाता है कि ये अमीर घर के लड़कों को भी फंसाकर पहले दोस्ती करता और फिर नशे में उनका वीडियो बनाकर उनके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल खेलता, और जब वो लड़के फंस जाते तो या तो अपने घर से चोरी करके इसको पैसे लाकर देते या फिर इसके साथ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते। न जाने क्यों आजकल के युवाओं को क्या हो गया है, जिस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए, आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में ये लोग न जाने क्यों अपराध जगत में एंट्री मार रहे हैं। कहा जाता है कि ये एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, उसकी कीमत चाहे जो कुछ भी हो। शायद इसीलिए चिंदी चोरी से लेकर बड़ी चोरी तक, गांजा तस्करी से लेकर अवैध हथियार तक सारे अपराध कर डाले हैं। पुलिस प्रशासन को तो खुला चैलेंज करता था। साल 2018 में सलमान लाला ने इंदौर के थाना विजयनगर को बम से उड़ाने की धमकी दे दी और कहा था एक छोटे से बम से पूरे थाने को उड़ा दूंगा। बाजारों में जाकर हिंदी फिल्मों के तर्ज पर हफ्ता वसूलने का भी काम करता था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना शातिर क्रिमिनल है। मौजूदा समय में तो ये जेल में बंद है। जेल के अंदर भी कई बार इसने चाकूबाजी की और अपने प्रतिद्वंदी पर चाकू चलाई। कहा जाता है इन सब अपराधों को लेकर इसके घर वालों का रवैया भी बिल्कुल वैसा है जैसे एक पिता का अपने बेटे से होता है कि स्कूल जाओ और पढ़ाई करो, मतलब कि घर वाले भी समर्थन ही करते हैं। इसकी एक गैंग है जो लाला की फौज के नाम से, जिसके दम पर इन लोगों ने इंदौर शहर में आतंक मचा रखा था। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद इसकी गैंग की कमर टूट गई और ये फिलहाल जेल में सजा काट रहा है। अजीब बात तो ये है कि इसके द्वारा जो खबरें मीडिया में चलाई जाती हैं वो उसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता है, शायद शहर में अपना खौफ फैलाने के लिए। सलमान लाला के दो भाई भी हैं, एक लीगल पचड़ों को संभालता है और दूसरा फंडिंग यानी कि वसूली का काम करता है। फिलहाल देखा जाए तो बीते दिनों पुलिस ने इस खतरनाक गैंगस्टर पर कार्रवाई करते हुए इसके घर की कुर्की भी की थी और इसके गैंग के कई लोगों को सड़क पर निकाल कर जुलूस भी निकाला था। लेकिन आए दिन सलमान लाला के किस्से सुर्खियों में रहते हैं। एक सवाल आपसे, क्या अभी तक आपने इतना सनकी क्रिमिनल देखा है जो पुलिस थाने को ही बम से उड़ाने की धमकी देता हो? जाहिर है नहीं देखा होगा। आप इस खतरनाक गैंगस्टर सलमान लाला को लेकर क्या सोचते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।